नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। अपने क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। टीकमगढ़ थाना कोतवाली पुलिस ने जिला बदर को भैरव मोहल्ला से धर दबोचा। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक पुष्पल खरे के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ कर अपराधों को कम करने की कोशिश जारी रखते हुए आज भैरव मोहल्ला निवासी टीकमगढ़ घनश्याम रेगवार पिता विजय रेगवार, जो कि 24 से अधिक मामलों में पूर्व से पंजीबद्ध हो चुका है, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। भैरव मोहल्ले से जिला बदर की आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर नगर निरीक्षक वीरेंद्र सिंह पवार के साथ शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, ASI भुवनेश्वर अग्निहोत्री, आरक्षक आदर्श मुनि, आरक्षक मुकुल, आरक्षक अनिल, आरक्षक राजकुमार, आरक्षक रघुवीर, आरक्षक शिव शंकर सहित शामिल रहे। टीकमगढ़ से ब्यूरो चीफ जावेद खान के साथ कैमरामैन मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीकमगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, इसी तारतम्य में आज कोतवाली पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और जिला बदर के एक आरोपी जिसका नाम है घनश्याम ढीमर, इसको आज गिरफ्तार किया गया है और इसको मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली बीरन सिंह पवार, सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, आरक्षक भुवनेश्वर आदर्श मुनि, मुकुल, अनिल, रामकुमार, रघुवीर और शिवशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आरोपी को टीकमगढ़ कस्बे से शहर से गिरफ्तार किया गया है। कितने मामले कितने इसके ऊपर? लगभग 24 से अधिक मामले पंजीबद्ध हैं और इसी तरीके की अन्य कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। इसकी जो फरार होने की जानकारी है वो आपको पृथक से उपलब्ध करा दी जाएगी। क्योंकि अपराध ज़्यादा हैं, 24 अपराधी हैं, इसलिए इसकी जो गिरफ्तारी है एक महत्वपूर्ण सफलता है पुलिस के लिए।